हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक चैंपियन किंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन तो आप सभी लोग यूज करते ही होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, यदि आप एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई इंपॉर्टेंट फोटो रखते हैं, वीडियो रखते हैं या दोस्तों व्हाट्सअप पर किसी से चैटिंग करते हैं, तो आज इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप अपने मोबाइल फ़ोन को हैक होने से बचा सकते हैं। दोस्तों यदि आपका जो मोबाइल फ़ोन है कोई भी बंदा हैक कर लेता है, बार बार आपकी जितने भी फोटो वीडियो हैं, आप किससे चैटिंग करते हैं वो दोस्तों दूसरा बंदा देखता है, तो आप ये भी पता लगा सकते हैं इस वीडियो को देखकर कि जो आपका मोबाइल फोन है किस बंदे ने हैक किया है, आप उसको रिकवर भी कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, उससे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एंड्रॉयड मोबाइल फोन की कुछ ऐसी सेटिंग बताऊंगा, यदि आप इन सभी सेटिंग को अपने मोबाइल फोन के अंदर चेक करेंगे, ठीक है, तो आप अपने मोबाइल फोन को 100% रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। अब दोस्तों आपको सबसे पहले क्या काम करना है, दोस्तों यदि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, आप ये पता लगा सकते हैं कि जो आपकी इंस्टाग्राम की आईडी है वो दोस्तों कितने मोबाइल फोन के अंदर काम कर रही है। ठीक है, वो दोस्तों आप कैसे पता करेंगे, अब आपको ध्यान से देखना। आपको दोस्तों यहाँ पर जो प्रोफाइल है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा 3 लाइन का। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अकाउंट सेंटर। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा, उसको आपको वहाँ पर कुछ सेटिंग बताऊंगा वो आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, 3 लाइन पर क्लिक करना है, यहाँ पर सेटिंग पर आना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिला पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है वेयर यू आर लॉगिन। ठीक है, इस पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप ये पता लगा सकते हैं कि जो आपकी इंस्टाग्राम आईडी है कितने मोबाइल फोन के अंदर काम कर रही है, कि दोस्तों जो आप इंस्टाग्राम पर किसी से चैटिंग करते हैं वो दोस्तों सामने वाला बंदा देख लेता है। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है Vivo T1 में भी लॉगिन हो रखी है, इन्फिनिक्स Note 35G में भी है। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरे मोबाइल फोन है। ठीक है, यदि आपको यहाँ पर कोई अलग मोबाइल फोन दिखाई देता है, ठीक है, तो आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों उसको लॉग आउट कर देना है। इस तरीके से दोस्तों आप अपने इंस्टाग्राम की आईडी को हैक होने से बचा सकते हैं। दोस्तों यह है अब आपकी जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन की सबसे पहली ट्रिक। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक के लिए लाइक सब्सक्राइब बनता है। अब दोस्तों मैं आपको एंड्रॉयड मोबाइल फोन की सेकंड नंबर की ट्रिक बताऊंगा कि दोस्तों जो हैकर बंदे होते हैं ना वो किस तरीके से आपके मोबाइल फोन को हैक करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी के मोबाइल फोन के अंदर जीमेल आईडी होती है। ठीक है, तो आपकी जो जीमेल आईडी है आपको ये चेक करना है कि जो आपकी जीमेल आईडी है वो हैक तो नहीं है। ठीक है, वो दोस्तों कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ठीक है, मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने दोस्तों एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिक्योरिटी का। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आना है दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है फाइंड ए लॉस्ट डिवाइस मैनेज ऑल डिवाइस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप दोस्तों ये पता लगा सकते हैं कि जो आपकी जीमेल आईडी है कहाँ कहाँ पर लॉगिन है। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो मेरी जीमेल आईडी है Vivo T1 में लॉगिन है और इसी एक मोबाइल फोन के अंदर जो आईडी है काम कर रही है। अब यदि जो आपकी आईडी है कोई दूसरे मोबाइल फोन के अंदर भी काम कर रही है तो आपको दोस्तों कैसे पता करना है, यहाँ पर दोस्तों नीचे की साइड एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उस पर क्लिक करना है और उसको दोस्तों लॉग आउट कर देना है। इस तरीके से आप अपनी दोस्तों जीमेल आईडी को हैक होने से बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपकी एंड्रॉयड मोबाइल फोन की सेकंड नंबर की ट्रिक। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ थर्ड नंबर की ट्रिक। दोस्तों यदि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करते हैं और आप अपने जितने भी आपके गर्लफ्रेंड के नंबर भी हैं, आप किसी से बात करते हैं, ठीक है, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि जो आपकी ट्रू कॉलर के अंदर कोई ऐसी ईमेल आईडी तो नहीं है जिससे आपके जितने भी दोस्तों ये कॉन्टैक्ट रहते हैं उसकी ईमेल आईडी पर बैकअप बना लेंगे और वो दोस्तों आपके जितने भी नंबर हैं उनका गलत उपयोग कर सकता है। तो वो दोस्तों कैसे आपको पता करना है, अब ध्यान से देखना। आपको दोस्तों यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है, सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर जनरल सेटिंग में आना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बैकअप का। ठीक है, अब यदि दोस्तों ये इस तरीके से ऑन है, ठीक है, ऑन होने के बाद
यहाँ पर आपको कोई ऐसी ईमेल आईडी दिखाई देती है जो आपकी दोस्तों नहीं है, ठीक है। तो आपको दोस्तों उस ईमेल आईडी को यहाँ से चेंज कर देना है, ठीक है। नहीं तो दोस्तों क्या होगा, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, आप किससे बात करते हैं उसकी ईमेल आईडी पर चले जाएंगे, आपके जितने कॉन्टैक्ट हैं वो उनका गलत उपयोग भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ट्रू कॉलर को भी हैक होने से बचा सकते हैं दोस्तों। इस ट्रिक के लिए भी लाइक और सब्सक्राइब बनता है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ एंड्रॉयड मोबाइल फोन की सेकेंड नंबर की ट्रिक। अब दोस्तों जैसे आप अपने मोबाइल फोन के अंदर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, आपकी जितनी भी चैटिंग है वो दोस्तों दूसरा बंदा अपने मोबाइल फोन के अंदर देखता रहता है लेकिन आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो आपको दोस्तों कैसे करना है, कैसे पता लगाना है, कैसे रिकवर करना है, तो अब ध्यान से देखना। आपको यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने में लिंक डिवाइस, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। अब यदि लिंक के डिवाइस के नीचे, ठीक है, आपको यहाँ पर कोई एंड्रॉयड लैपटॉप कुछ भी दोस्तों नजर आता है ना, तो समझ लेना आपकी जो व्हाट्सएप है कोई दूसरा बंदा आपके जितने मैसेज हैं वो भी देखता है, आपके फोटोज भी देखता है, वो आपकी व्हाट्सएप को हैक कर रखा है, ठीक है। तो आपको दोस्तों रिकवर अब कैसे करनी है, आपकी जो व्हाट्सएप है यहाँ पर एंड्रॉयड पर क्लिक करना है, यहाँ पर उसको लॉग आउट कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों जो आपकी आईडी है उसके मोबाइल फोन से लॉग आउट हो जाएगी और दोस्तों आपका व्हाट्सएप हैक होने से बच जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताने वाला हूँ सेकेंड नंबर की ट्रिक। दोस्तों यदि आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं और कोई भी बंदा ये पता लगा लेता है कि ये बंदा किस टाइम तक कहाँ पर जाता है, ठीक है, कहाँ कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ घूमता है, तो आप सभी के मोबाइल फोन के अंदर एक एप्लीकेशन रहती है जिसका नाम है दोस्तों मैप, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है इस वीडियो को। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि आपकी मैप के अंदर कोई ऐसी ईमेल आईडी तो नहीं है जो आपकी नहीं है, ठीक है। तो आपको मैप पर क्लिक करना है, यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ये एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी सेट करके रखनी है दोस्तों। यदि आपको यहाँ पर कोई दूसरी ईमेल आईडी दिखती है तो दोस्तों दूसरा बंदा क्या काम करेगा, योर टाइमलाइन पर आएगा, ठीक है, और आप दोस्तों किस टाइम कहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर रुकते हैं, वो दोस्तों सब पता लगा लेगा कि आप 6 तारीख को कहाँ थे, 7 तारीख को कहाँ थे, ठीक है। दोस्तों जो आप जाते हैं जहाँ पर भी घूमने जाते हैं तो आपकी गूगल मैप यहाँ पर रिकॉर्ड बना लेती है और वो इस तरीके से आपका पता भी लगा सकता है, आपके पूरे मोबाइल फोन को हैक कर सकता है, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन को हैक होने से बचा सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है मुझको कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ सेकेंड नंबर की ट्रिक, तो ध्यान से देखना। दोस्तों आप यदि अपने मोबाइल फोन से किसी के पास कॉल लगाते हैं, आप किसी से बात करते हैं, आपकी जो कॉल है वो कोई भी बंदा हैक कर सकता है, ठीक है। दोस्तों आप सभी के मोबाइल फोन के अंदर एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है माई जियो, ठीक है। इस एप्लीकेशन की मदद से आपका जो मोबाइल फोन है ना, आपकी जितनी कॉल रिकॉर्ड है वो सामने वाला बंदा हैक कर सकता है। तो आपको कैसे हैक करने से बचाना है, ठीक है, तो ध्यान से देखना। आपको माई जियो एप्लीकेशन को ओपन करना है। माई जियो एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, आपके सामने दोस्तों यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद सेविंग अकाउंट पर आना है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये चेक करना है कि कहीं आपका यहाँ पर लिंक कोई दूसरा मोबाइल नंबर तो लिंक नहीं हो रखा है, ठीक है। यदि यहाँ पर आपको कोई दूसरा मोबाइल नंबर लिंक होता है ना, तो दोस्तों क्या होगा, आपकी जितनी भी कॉल है ना वो दोस्तों उनको हैक कर सकता है, उनका कॉल डिटेल निकाल सकता है और आपकी इंफॉर्मेशन को लीक कर सकता है, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड ना हो, ठीक है। वो आप दोस्तों यहाँ पर कोई नंबर दिखाई देता है तो उसको यहाँ से आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, वो आपकी कभी भी कॉल डिटेल नहीं निकाल पाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस ट्रिक के लिए भी लाइक और सब्सक्राइब बनता है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट नंबर की ट्रिक। दोस्तों यदि आप अपने मोबाइल फोन के अंदर गैलरी के अंदर कोई इंपोर्टेंट फोटो रखते हैं, वीडियो रखते हैं, और आपके जितने भी फोटो वीडियो हैं कोई भी बंदा हैक कर लेता है, उसके पास में फोटो चले जाते हैं, ठीक है। दोस्तों आप सभी के मोबाइल फोन के अंदर एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है गूगल फोटोज एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन की मदद से वो दोस्तों जितने भी फोटो हैं उसके पास चले जाते हैं। आपको ये चेक करना है, गूगल फोटोज में आना है, यहाँ पर फोटो सेटिंग में आना है, यहाँ पर आपको शेयरिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों करना क्या है, आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर पार्टनर शेयरिंग पर आना है। यदि आपको यहाँ पर कोई दोस्तों दूसरी ईमेल आईडी दिखाई देती है तो समझ लेना आपके गूगल फोटोज हैक हो रखी है, आपके जितने फोटो है ना उसके पास चले जाते हैं। आपको दोस्तों उसको यहाँ से
हटा देना है, रिमूव कर देना है, ठीक है। अब जितने भी आपके गैलरी के अंदर फोटो हैं उसकी मेल आईडी में नहीं जाएंगे और आपका पूरा मोबाइल फोन रिकवर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है ना, तो वीडियो को दोस्तों एक प्यारा सा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना, ठीक है। दोस्तों चलिए आपका दिन शुभ हो।